अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज के न्यू व्लॉग की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम जो है मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, क्योंकि हमने जाना है एक इवेंट पे। आज है अट्टा घट्टा वाली कोई मन्नत होती है, वो जो है हमारे रिलेटिव्स हैं उन्होंने वो मन्नत उतारनी है। तो काफ़ी दूर है डिस्टेंस जहाँ पर हमने जाना है, जहाँ पर ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो वहाँ जाके आपको बाकी जो है वीडियो शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा दूँ। ये देखें, थोड़ा सा इस तरह आइडिया ले लें। ये देखें, चले जी हम लोग जो है रवाना हो रहे हैं। ये रास्ते की क्लिप्स हैं। ये मुजफ्फरगढ़ के करीब है, जहाँ पीर के नाम से मशहूर है। ये अल्लाह के वली हैं। यहाँ पे लोग जो हैं अपनी औलाद के लिए जो है मन्नत मानते हैं, और घट्टा देना पड़ता है इधर आके। जब मन्नत पूरी हो जाए तो ये इधर आके घट्टा देना पड़ता है। तो आज वही जो है मन्नत हम लोग उतारने आए हुए थे। सब फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट किया गया था। अच्छा जी, यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं हैंडमेड फ़ैन जो है सेल करी थी 50 रुपये का और 100 रुपये का। खाना जो है सर्व होना शुरू हो गया है। ये देखें, इसी तरह सर्व किया जाता है चारपाइयों पे बिठा के। और ये बेसिकली एक शोरबा होता है, उसमें बड़े बड़े बोटियाँ जो है पेश की जाती हैं बकरे की, मतलब घट्टा जो है बकरा बोला जाता है उसको। चले जी, मैं भी इधर हाज़िरी देने के लिए आ गई हूँ दरबार पर। तो आपको ये मैं दिखा रही हूँ, अंदर जाने लगे हैं, काफ़ी रश था। तो इससे पहले, दरबार से पहले जो है एक मेला लगा होता है बाहरी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये मेला, देखें इसी तरह रश होता है। लाइव जो है औरतें चूड़ियाँ पहन रही होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और ढोल की थापे जो है रक्स किया जाता है। अकीदमंद आके यहाँ चादर पोशी कर जाते हैं। चले जी, यहाँ हाज़िरी देखें, हम लोग जो हैं फ्री हो गए थे। तो अब हम लोग जो हैं अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए थे। ये देखें आप कुछ मनाजिर रास्तों के। अच्छा जी, मैं वीडियो बना रही थी तो लाइव ही जो है ट्रेन वहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, मुझे ट्रेन का सफ़र करने का ना जो है ना बहुत शौक़ है। अभी तक मैंने जो है अपनी लाइफ में कभी नहीं किया सफ़र। तो आप अपना जो है फीडबैक या कमेंट्स करके बताएं कि आपको कैसा लगता है कि ट्रेन में बैठ के सफ़र किया जाए, और क्या एक्सपीरियंस है आपके। अगर आप भी इसी तरह की मन्नत आप उठाना चाह रहे हैं तो मैं इसकी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली आने वाली हर वीडियो का इंतजार रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।